आज तो सही से उसकी धूप में सिकाई हो जाएगी। हेलो भाई, लो वो खड़ी मत होइयो। ओ भाई आज पढ़ा था मैं ला ला ला, सुनो सुनो हम 33 महान। सुबह 9 बजे इतनी ज्यादा काय कोई लगा रही है। अरे कांगे मारे, राम राम। बेटा तुम आप सुना क्या चीज? हनुमान जी गदा क्या चीज? विकल्प है कि धर्म जिएगा अधर्म हारेगा। लाओ राम राम। तो गया मेरा निवेदन आपसे बेटा ये है कि मौखिक रूप से कहना शुरू कर दो। मैं अकेला हूँ इसलिए आपसे मेरे पास थी। नहीं नहीं बेटा वो तो वही सर। एक काम कर दो, एक काम कर दो। सुनो आप मेरी बेटी नहीं हो क्या? पता नहीं मामा जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं। वेरी वेरी टफ जॉब। बच्चे पढ़ने रहे थे, मामा जी ने पढ़ा दिया। पढ़ो और स्वास्थ्य अच्छा बनाओ, वही चिंता मेरी। ठीक है बेटा, बाकी कुछ काम होगा तो मामा जी करवा देगा, तो करूंगा मैं भी। मामा जी इतने फास्ट चल रहे हैं, मेरे पे चला ही नहीं रहा। कितने फास्ट चल रहे हैं, हम पे नहीं चला जा रहा भैया। तेल खत्म, ग्लूकोन डी। भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। दिखाएं? अरे वाह, हम ध्रुव को छोड़िए बाइक के साथ, पर्चों के साथ, और हम बहुत दूर आ चुके हैं। और कम से कम आधा घंटा हो चुका है हमें आए हुए, और जितना अंदाजा है वो बेचारा पक चुका है। ना उसका फोन है, ना उसको कुछ है। आज तो सही से उसकी धूप में सिकाई हो जाएगी, बहुत परेशान हो रहा होगा। फिलहाल जा रहे हैं प्रधानमंत्री कहने वाली थी। जाएंगे प्रधानमंत्री भी जाएंगे। सुबह 11 बजे अब हम आ चुके हैं स्कूल के जस्ट पीछे। यहाँ पे कुछ हैं। हेलो भाई, लो वो खड़ी मत होइयो। ओ भाई डर लगता है मुझे। ए मामा जी कहाँ जा रहे हो? अरे थक गए। कोई है? आइए आइए आइए। और ठीक है, तुम जेब में रखो ना, जिसके जेब में रखा होगा। सुनो कोई मिल जाए तुरंत दिखा दो उसे। आप इसे जेब में रखो समेट के, जैसे अपना कोई मिल जाए तुरंत बता दे के 9वें नंबर पे हमारे। एक बार अंकल जी को जिता दो। गलत काम करे दोबारा फिर मान लेना। इसमें क्या
दोपहर 12:30 बजे तो अभी टाइम करीब 11:30 हो चुका है। मामा जी वहीं हैं और मैं देखो ध्रुव के पास जा रही हूँ और उसकी शक्ल देखने वाली होगी। बेचारा धूप में खड़ा है जब से। तो ये रहा मंदिर जहाँ से हमने शुरू किया, वो यही होगा। कहाँ गया? ए बालक, ए बालक, क्या कर रहे थे तुम? बालक क्या ढूंढ रहा है परेशान इंसान? इस बार भूल नहीं होनी चाहिए। ले भैया आ रही हूँ। गरीब हेल्पिंग हेल्पिंग गरीब पापा को दे दो। इधर कोई मुझे दिख नहीं रहा, इधर कोई नहीं दिख रहा। दोपहर 1:15 बजे अबे बताने जोड़ते सबको, जो मिलने चल रहा है सबको बताओ। ठंडा पानी आएगा घर? ओह देखा, ठंडा पानी आ गया। ठंडा पानी जल्दी जा पिलाओ। पिलाने में नहीं पड़ेगा पानी। ओ भाई बहुत गर्म हो रहा है। मैं भी दोपहर 1:30 बजे हम नरोरा गांव की गलियों में घूमते हुए वार्ड नंबर 5 से वार्ड नंबर 10 में आते हुए होते हुए, अच्छा 5 ही है, अभी 5 ही है। का हाल है? का खा रहा है? का खा रहा है बताए ना, फेंक दो मैया, ले ले पर्चे ले ले लगा दे। सच में वेरी हेक्टिक डे और मामा जी तो नंगे पैर चल रहे हैं, उनकी तो क्या ही कहने, इतनी गर्मी हो रही है। इस मीम को देख के आप समझ जाओगे कि हम दोनों की हालत क्या हो रही है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। 2:11 हो गए और अब हमारी रिक्शा तैयार है प्रचार के लिए। बड़े वहां हो रहे गाड़ी से बाइक, बाइक से रिक्शा, रिक्शे से घर। वेरी हेक्टिक डे टुडे। तो अभी टाइम 7 बज रहे हैं और जो एरिया बच रहा था उसको कवर करने आए हैं। ये देखो कितना हरियाली हरियाली वाला एरिया है। हो गए मामा जी। दोपहर को मैं 1.5 घंटे की मैंने एक पावर नैप लिया था जिससे मेरे में एनर्जी आ जाए, क्योंकि मैं सुबह उठ गई थी 5:30 बजे अपने आप ही, लेकिन वो नींद कवर हो गई। और आप लोगों को कैसा व्लॉग लग रहा होगा ना कि मैं सुबह से प्रचार प्रचार दिखा रही हूँ, लेकिन मैं प्रचार नहीं, मैं प्रचार के पीछे की मेहनत दिखा रही हूँ, जहाँ भीड़ नहीं होती अकेले अकेले करते हैं। तो अभी 8:30 बज चुके हैं और सुबह से घूमते घूमते आपने देखा कि हम कहाँ कहाँ गए थे, कैसे कैसे गए थे। अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। होप आपको पसंद आया हो, आपने आज देखा किस तरीके से प्रचार होता है, कितनी मेहनत लगती है। बाकी मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। खत्म।